नमस्कार, आज हम आपको दिखा रहे हैं दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर तेंदुए और इंसान के बीच हुई जंग का लाइव वीडियो। रोंगटे खड़ा कर देने वाला यह वीडियो है उत्तराखंड के बागेश्वर के चौरा गांव का। सरयू नदी के किनारे घायल पड़े एक तेंदुए को देख ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। लगभग 3 घंटे बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन निहत्थी। हिम्मती ग्रामीणों की मदद से शुरू हुआ घायल तेंदुए का रेस्क्यू। देखिए, ग्रामीणों ने तेंदुए के सिर पर एक कपड़ा डालकर उसके शरीर को रस्सियों से जकड़ने का काम शुरू किया। एक ग्रामीण आगे बढ़कर उसके अगले पैरों को बांध रहा है, दूसरे लोग डंडा लेकर खड़े हैं। वन विभाग की टीम भी सादी वर्दी में काम में जुटी है। तेंदुए का पिछला शरीर रस्सियों से जकड़ा जा चुका है। एक ग्रामीण जगदीश सिंह आगे बढ़कर तेंदुए के अगले पैरों को रस्सी से बांधता है। दूसरे ग्रामीणों ने तेंदुए के मुंह पर डंडे से दबा रखा है। और अचानक तेंदुआ अपना मुंह निकालकर जगदीश का हाथ पकड़ लेता है। नदी के किनारे अफरा तफरी मच जाती है, लोग चिल्ला रहे हैं। तेंदुए पर लाठियों की बौछार शुरू हो जाती है। तेंदुआ जगदीश का हाथ छोड़कर उसका पैर पकड़ लेता है। एक बार फिर देखिए सांसें रोक देने वाला यह नजारा। फिर ग्रामीण उस पर लाठी डंडे बरसाते हैं और आखिर तेंदुआ हार जाता है। वह नदी में पलट जाता है। ग्रामीण जगदीश को कंधों पर उठाकर पहाड़ी में चढ़ा दिया जाता है। तेंदुआ अब भी घायल अवस्था में इसी इलाके में घूम रहा है। वन विभाग सख्ते में है। ग्रामीण का इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। अब देखना यह होगा कि वन विभाग इस दुर्साहसिक अभियान की जिम्मेदारी लेगा या नहीं। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बगल में लगी बेल आइकन में घंटी बजाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियो मिले सबसे पहले।